बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यह कथन एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धीरू भाई अंबानी के जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि धीरू भाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। धीरू भाई अंबानी के पिता गोवर्धन अंबानी पेशे से एक साधारण शिक्षक थे और माता जमुनाबेन एक साधारण गृहिणी थी। शिक्षक की नौकरी से गोवर्धन अंबानी को अपने परिवार को पालन करना एक चुनौतीपूर्ण था। उनकी नौकरी से घरेलू खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं होते थे। ऐसे में चार भाई बहनों के बीच धीरू भाई का शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था और गरीबी के स्थिति के कारण धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का मानना था कि पैसों से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। यह कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पैसा कमा सकता है। घर की आर्थिक हालात को देखते हुए धीरू भाई ने सबसे पहले फल और पकौड़े बेचना शुरू किया। इस काम में उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और मजबूरन यह काम बंद करना पड़ा। और सन 1947 में 16 साल की उम्र में धीरू भाई ने अपने दोस्त के साथ यमन के एडन शहर में काम करने चले गए। यमन में उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया, जहां उन्हें पूरे महीने काम करने के बाद 300 रुपए सैलरी मिलती थी। करीब 2 साल तक नौकरी करने के बाद वे अपने कार्य कुशलता और योग्यता के बल पर उस कंपनी के मैनेजर के पद पर पहुँच गए। लेकिन सन 1950 में यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया और हालात इतने बिगड़े कि उन्हें यमन छोड़कर भारत वापस आना पड़ा और यहीं से उनका बिजनेसमैन बनने का सपना शुरू हुआ। सन 1955 में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दामनी के साथ 15,000 रुपए लगाकर मसालों का निर्यात और पोलिस्टर के धागों के निर्यात करने का बिजनेस शुरू किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ ही साल में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पोलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और लोग उसे सूती की अपेक्षा ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण यह पुराने होने के बाद भी नया जैसा दिखाई देता था और लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किए जाने की वजह से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल के बीच व्यवसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और विचार व्यापार में अलग थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने टेलीकॉम, एनर्जी और पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू किया और सन 1977 में धीरू भाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। आप उनके सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भारत में 1 लाख से अधिक कर्मचारी उनके कंपनी में काम करते हैं। आज भी भारत में उनकी सभी कंपनी टॉप पर हैं और शायद आपको पता नहीं कि दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल और इंटरनेट सेवा रिलायंस इंडस्ट्री ही देता है। दोस्तों, समय हमेशा एक समान नहीं रहता है, समय के साथ उम्र भी बढ़ने लगती है। अगर उद्योग के क्षेत्र में धीरू भाई अंबानी को महान उद्योगपति भी कहा जाए तो यह शब्द कम पड़ेगा। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने अपने अंतिम सांसें ली और इस दुनिया से विदा हो गए।